हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ROR रूल 6 के बारे में, डेट इज सेफ स्पीड। तो दोस्तों, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको पहले 5 रूल बताए थे और 5 रूल मैंने आपको रिसाइट भी करके सुनाए थे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूल 6 सेफ स्पीड के बारे में। आज मैं उसको आपको बिना देखे रिसाइट करके भी सुनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे उस रूल को याद करा, क्योंकि जो सेफ स्पीड वाला रूल है, रूल 6, वो थोड़ा बड़ा है, यानी कि उसके कुछ ज़्यादा ही बड़ा है वो। तो उसको मैंने कैसे याद किया, तो मैंने उसमें क्या ट्रिक लगाई, जो दोस्तों अगर आप भी उस ट्रिक के साथ याद करोगे तो आपको भी 100%, आई एम श्योर आपको 100% वो रूल याद रहेगा। तो दोस्तों, रूल 6 को सबसे पहले तो मैं आपको रिसाइट करके बता देता हूँ, रिसाइट करके सुनाऊंगा कि कैसे मैंने याद किया, और आप फिर रिसाइट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे उसको याद किया। फिर आप भी अगर उस ट्रिक को अपनाओगे तो आप भी उस रूल को आसानी से याद कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, रूल 6 में आपको रिसाइट करके सुनाता हूँ। रूल 6, डेट इज सेफ स्पीड। एवरी वेसल शैल एट ऑल टाइम्स प्रोसीड एट ए सेफ स्पीड सो डैट सी कैन टेक प्रॉपर एंड इफेक्टिव एक्शन टू अवॉइड कोलिजन एंड बी स्टॉप विद इन द डिस्टेंस अप्रोप्रिएट टू द प्रीवियस सर्कमस्टांसिस एंड कंडीशंस। तो ये हो गया इसकी नॉर्मल डेफिनेशंस। अब यानी कि इसके फैक्टर्स आते हैं कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सेफ स्पीड। सो इन डिटरमाइनिंग द सेफ स्पीड द फॉलोइंग फैक्टर्स शैल बी दोज अमंग टेकन इन टू अकाउंट। अब जो ए पार्ट आता है वो आता है बाय ऑल वेसल्स। तो जो ऑल वेसल्स का है उसके 6 पार्ट है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है द स्टेट ऑफ विजिबिलिटी, द ट्रैफिक डेंसिटी इंक्लूडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फिशिंग वेसल एंड एनी अदर वेसल, द मैनुवरेबिलिटी ऑफ द वेसल विद स्पेशल रेफरेंस टू स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टर्निंग एबिलिटी इन प्रिवेलिंग कंडीशंस। ये हो गया तीसरा पार्ट। और जो चौथा पार्ट है द प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड सच एज फ्रॉम शोर लाइट और द बैक स्कैटर ऑफ अवर ओन लाइट। ये हो गया इसका चौथा पार्ट। और जो इसका 5वां पार्ट है द स्टेट ऑफ विंड सी करंट एंड प्रोक्सिमिटी टू नेविगेशन रडार। और जो 6ठा पार्ट है वो द ड्राफ्ट इन रिलेशन टू अवेलेबल डेप्थ ऑफ द वाटर। तो ये हो गया बाय ऑल वेसल्स, जिसके 6 पार्ट होते हैं। तो ये दोस्तों मैंने भी ऐसे ही याद किया था, मुझे भी 6 के 6 पार्ट याद है, यानी कि एक एक करके लाइन वाइज मुझे, सिक्वेंस वाइज मुझे याद है। तो आप इसको आप भी याद कर सकते हो। लास्ट में मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे याद करना है। अभी हम चलते हैं बी पार्ट पे, यानी कि बी पार्ट क्या है, एडिशनली बाय वेसल्स विद ऑपरेशनल रडार, यानी कि जिनके पास ऑपरेशनल रडार हो तो उनके लिए कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है द कैरेक्टरिस्टिक एफिशिएंसी एंड लिमिटेशंस ऑफ रडार इक्विपमेंट। और जो दूसरा पार्ट है एनी कंस्ट्रेंट इम्पोज बाय रडार इन स्केलिंग यूज। और जो तीसरा पार्ट है द इफेक्ट ऑन रडार डिटेक्शन ऑफ द सी स्टेट वेदर एंड अदर सोर्सेज ऑफ इंटरफेरेंस। ये हो गया तीसरा पार्ट। अब जो चौथा पार्ट है द पॉसिबिलिटी डेट स्मॉल वेसल्स आइस और अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स मे नॉट बी डिटेक्टेड बाय द रडार एट एन एडिक्वेट रेंज। ये हो गया इसका चौथा पार्ट। अब जो इसका 5वां पार्ट है वो है द नंबर लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ वेसल्स डिटेक्टेड बाय रडार। और जो इसका लास्ट पार्ट है डेट इज 6ठा पार्ट, द मोर एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ द विजिबिलिटी डेट मे बी पॉसिबल व्हेन रडार यूज्ड टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ द वेसल और अदर ऑब्जेक्ट्स इन द विसिनिटी। तो ये हो गए दोस्तों इसके 6 पार्ट बाय वेसल्स विद एडिशनल बाय ऑपरेशनल रडार। तो इसके ये 6 पार्ट हो गए और उसके पहले के 6 पार्ट थे। तो ये हो गया पूरा रूल 6, डेट इज सेफ स्पीड। तो दोस्तों इसको मैंने याद किया है और मैंने इसको सिक्वेंस वाइज याद किया है, तो आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि इस रूल को मैंने कैसे याद किया। तो सबसे पहले आते हैं नॉर्मल डेफिनेशन पे। एवरी वेसल शैल एट ऑल टाइम्स प्रोसीड एट अ सेफ स्पीड सो दैट सी कैन टेक प्रॉपर एंड इफेक्टिव एक्शन टू अवॉइड कोलिजन बी स्टॉप विद इन द डिस्टेंस अप्रोप्रिएट टू प्रीवियस सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस। ये होगी इसकी नॉर्मल डेफिनेशन। तो जो ये नॉर्मल डेफिनेशन है दोस्तों, ये तो आपको यानी कि जैसे मैं इसमें कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं, प्रीवियस सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस, जो रूल 5 लुकआउट से है, बी स्टॉप विद इन द डिस्टेंस अप्रोप्रिएट। तो ये जो नॉर्मली ये थोड़ा थोड़ा रूल 5 से ही सिमिलर है, रूल 5 जो लुकआउट था अपना,
रूल फाइव क्या था अपना, एवरी वेस्ट सेलेक्ट ऑल टाइम्स मेंटेन अ प्रॉपर लुकआउट बाय सेट एंड हियरिंग एज वेल एज बाय ऑल अवेलेबल मींस अप्रोप्रिएट इन द प्रीवेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस सो एज टू मेक फुल अप्रेजल ऑफ सिचुएशन एंड ऑफ द रिस्क ऑफ कोलिजन। तो इसमें भी वही आता है प्रीवेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस, और जो अपना रूल सिक्स की डेफिनेशन है उसमें भी प्रीवेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस कहीं कहीं सेम ही है। तो अगर आपने रूल फाइव याद कर लिया है तो रूल सिक्स को याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इससे आप दोस्तों मैच करके रूल फाइव लुकआउट से और रूल सिक्स की जो सेफ स्पीड की डेफिनेशन है उसको आप याद कर सकते हो। तो अब आपको डेफिनेशन मान लो याद हो गई। अब आते हैं जो इसके पार्ट्स हैं यानी कि जो फैक्टर्स हैं इन डिटरमाइनिंग सेफ स्पीड। उन फैक्टर्स को याद करना एक चैलेंज है, यानी कि उनको सिक्वेंस वाइज याद कैसे करें। तो दोस्तों जैसे मैंने करा था मैं भी आपको वही ट्रिक बताऊंगा, फिर उससे भी आप फिर उस ट्रिक को अपना के आप भी बड़ी आसानी से उनके जो फैक्टर्स है वो बाय हार्ट कर सकते हो और इससे आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाय ऑल वेसल्स। जो बाय ऑल वेसल्स थे उसके 6 फैक्टर थे, यानी कि उसके 6 फैक्टर थे। उन 6 फैक्टर की दोस्तों एक ट्रिक बना लो। अब आपको जैसे IG होता है पुलिस में, DIG होता है, ऐसे आपने SDM का नाम सुना होगा कि SDM भी एक पुलिस में पोस्ट होती है। तो इसी से ट्रिक बनाओ, SDM इन पुलिस, और फिर जो SDM के पहले दो वर्ड है SD वो ले लो, SDM इन पुलिस ST। तो दोस्तों मेरे साथ रिपीट करो, SDM इन पुलिस ST, SDM इन पुलिस ST। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप याद कर लो और फिर देखो आपको कितनी आसानी से इसके फैक्टर्स याद होते हैं। और जो ट्रिक है दोस्तों मैंने खुद अपने लिए बनाई थी, अगर आप यानी कि आपको अच्छा लगे तो आप कोई दूसरी ट्रिक भी बना सकते हो, यानी कि जो आपके लिए इजी हो। सब अपने अपने निमोनिक बना सकते हो, ये मैंने अपने आप से बनाई थी SDM इन पुलिस ST, जो मुझे अच्छी लगी तो मैंने इस हिसाब से इसको याद करा। अब जैसे SDM इन ST, जो SDM का पहला वर्ड है S, तो उससे द स्टेट ऑफ विजिबिलिटी, और जो D है द ट्रैफिक डेंसिटी, उससे D डेंसिटी आ जाएगा, उससे आप पूरा वर्ड पूरा सेंटेंस याद कर सकते हो। अब जो M हो गया, M में द मनुवरिटी ऑफ द वेसल विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्टॉपिंग डिस्टेंस टर्निंग एबिलिटी इन प्रिवेलिंग कंडीशंस, तो इसमें M से आप मनुवरिटी याद कर सकते हो, उसके साथ से याद आपको पूरा सेंटेंस याद हो जाएगा। अब ये हो गया SDM, इन को छोड़ दो, बस उसको छोटे में लिखो इन, फिर पुलिस P, और जो P वर्ड है द प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड लाइट फ्रॉम शोर लाइट और फ्रॉम द बैक स्कैटर ऑफ अर ओन लाइट, यानी कि P आ गया प्रेजेंस, द प्रेजेंस, तो प्रेजेंस से आप वहाँ से याद कर सकते हो। अब दोबारा ST, अब दोबारा SD, जो S हो गया उससे क्या होगा, द स्टेट ऑफ विंड सी करंट एंड प्रोक्सीमिटी टू नेविगेशनल यार्ड्स, तो उसमें द स्टेट ऑफ वहाँ पे सी, उससे आपको S याद कर सकते हो। फिर जो लास्ट वर्ड है वो हो गया D से मतलब द ड्राफ्ट इन रिलेशन टू अवेल डेप्थ ऑफ द वोटर, अब D से ड्राफ्ट और वहाँ से D से यहाँ पे आप लोगे ड्राफ्ट, तो ऐसे करके आपका जो कीवर्ड है वो इससे याद हो जाएगा और आपको सेंटेंस याद आ जाएगा। तो इससे आप उसे याद कर सकते हो ट्रिक से, SDM इन SD, SDM इन पुलिस ST। तो इसको दोस्तों 3-4 बार याद करो, SDM इन पुलिस ST, SDM इन पुलिस ST, और उससे आपको ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये बिल्कुल बाय हार्ट हो जाएंगे, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो होप दोस्तों इस ट्रिक को याद कर लो और फैक्टर्स को बाय हार्ट कर लो, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, डेट इज सेफ स्पीड। अभी बात करते हैं दूसरे पार्ट की, डेट इज एडिशनली बाय वेसल्स विद ऑपरेशनल रडार, यानी कि जिनके पास ऑपरेशनल रडार हो, रडार ऑपरेशन में हो, तो उनको कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडरेशन में करने हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जैसे हम मेल करते हैं, तो मेल में किसी को साथ में भेजना हो, मेल भेजनी हो, तो आप उसको सीसी में रखते हो, आपने सुना होगा BCCCC, तो सीसी में आपको यानी कि हर बंदे को सुना होगा, मच्छर ने भी हर बंदे ने सुना होगा कि मेल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेल का तो काम ही है पूरा जहाज पे, यानी कि मेल तो होगी, तो वहाँ पे आपने सीसी सुना होगा, ठीक है। तो पहले दो वर्ड हो गए CC, और दूसरा आप जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, तो जैसे जहाज चल रहा है तो जहाज एक घंटे बाद जहाज कहाँ होगा, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड पोजिशन, तो आप EP एस्टिमेटेड पोजिशन से EP याद कर सकते हो। तो ये हो गए दो वर्ड, तो पहले दो वर्ड हो गए CC में रख दिया, EP हो गया एस्टिमेटेड पोजिशन, ये हो गया। अब दोस्तों जो जैसे किलोमीटर होता है,
वैसे ही हम जो मर्चेंट शिप में क्या यूज करते हैं, नॉटिकल माइल्स। ये तो नॉर्मली वर्ड है, यानी कि बेसिक वर्ड है जो सभी को पता हुआ है, जितने भी सी फेयर है, जितने भी सेलर हैं, नॉटिकल माइल इट इज़ वेरी कॉमन वर्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड होता है। और जो एक नॉटिकल माइल में 1.8 कुछ किलोमीटर्स होते हैं, तो ये सबसे बेसिक ही है जो सबको पता होगा। तो इससे आपके 6 पार्ट बन जाएंगे, सी सी 2 हो गया, ई पी 2 हो गया एस्टिमेटेड पोजिशन, और एन एम नॉटिकल माइल, ये हो गए 2 पार्ट, तो टोटल हो गए 6 पार्ट। तो उसके जो 6 फैक्टर हैं एडिशनली बाय वेसल विद ऑपरेशनल रडार, वो इससे आपको याद हो जाएंगे। तो जो पहला सी है उससे क्या होगा, द कैरेक्टरिस्टिक एफिशिएंसी एंड लिमिटेशंस ऑफ रडार इक्विपमेंट, तो उस कैरेक्टरिस्टिक से आप इसको याद कर सकते हो। अब दूसरा आ गया सी, तो उससे क्या होगा, एनी कंस्ट्रेंट इम्पोज बाय रडार रेंज विल बी यूज, तो उसका सी कहाँ यूज होगा, कंस्ट्रेंट से इसका सी यूज हो जाएगा, तो आप इससे आप इसको याद कर सकते हो। अब दोनों सी सी हो गया। अभी आई ई पी की, अब ई से क्या होगा, इफेक्ट, द इफेक्ट ऑन रडार डिटेक्शन ऑफ द सी स्टेट वेदर अदर सोर्सेज ऑफ इंटरफेरेंस, तो उससे आप इससे ई को याद कर सकते हो। अब हो गया पी पी, अब पी से आपको क्या, पी से आप क्या याद करोगे, द पॉसिबिलिटी डेट स्मॉल वेसल्स आइस और अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स मे नॉट बी डिटेक्टेड बाय द रडार एट एन एडिक्वेट रेंज, तो पी से आप पॉसिबिलिटी याद करोगे। अब हो गया एन, नॉटिकल माइल में जो मैंने बताया था उसका एन, तो उस आप एन को कैसे याद करोगे, द नंबर पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ वेसल डिटेक्टेड बाय रडार, तो वहां से एन नंबर से एन आप कंपेयर कर सकते हो और वहां से उस सेंटेंस को याद कर सकते हो। अब जो लास्ट रह गया एम, नॉटिकल माइल में एम, तो उसका मोर एम से बनता है, तो द मोर एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ द विजिबिलिटी डेट मे बी पॉसिबल व्हेन रडार यूज्ड टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ द वेसल और अदर वेसल एट द विसिनिटी, तो मोर से आप एम याद कर सकते हो, इससे आपको पूरा सेंटेंस याद हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों मुझे भी बिल्कुल फ्लुएंटली याद है, मैं बस इनको मन में इनको कंसिडरेशन करता हूँ कि एस डी एम इन पुलिस एस टी पहले 6 फैक्टर्स के लिए, और इसमें याद करता हूँ सी सी ई पी एन एम, सी सी में रख दिया एस्टिमेटेड पोजिशन एंड नॉटिकल माइल्स, उसमें एस डी एम इन पुलिस एस टी, तो उनको याद कर लेता हूँ। और जैसे उन फैक्टर्स को आप मन में रखोगे, उस ट्रिक को मन में रखोगे, उनके साथ साथ ही आपको जो कीवर्ड है वो आपको याद आता रहेगा, और कीवर्ड से आपको सेंटेंस याद आ जाएगा। अभी कीवर्ड तो आपको याद हो गया, लेकिन सेंटेंस याद करने के लिए आपको बार बार उनको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार उनको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, तभी जाके आपको वो याद हो गए। उनको लिखते रहो, बार बार उनको लिखो, बार बार रिवाइज करो, मन मन में रिवाइज करते रहो, कहीं घूम रहे हो तब रिवाइज करते रहो, तब जाके आपको ये जितने भी रूल्स हैं, ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे याद हो जाएंगे। तो होप दोस्तों आपको रूल 6 है सेफ स्पीड, वो आपको समझ में आ गया, आपको ट्रिक समझ में आई होगी। आप इस ट्रिक के साथ साथ रूल 6 को याद कर सकते हो, आप भी मेरे की तरह इसको बाय हार्ट कर सकते हो, ताकि आगे चल के आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो जो नेक्स्ट रूल है, डेट इज रूल 7 रिस्क ऑफ कोलिजन, उसको दोस्तों उसके भी 4 पार्ट हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद करना है, कैसे मैंने बाय हार्ट करा, मैं आपको रिसाइट करके भी सुनाऊंगा। तो अगली वीडियो में रूल 7 करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर आपको आर ओ आर के रूल याद करने हैं या किसी को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो होप, गुड बाय, थैंक यू।